बेटा अपन स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए जब भी अपन रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग साइकिल की बात करेंगे, ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो ब्रीथिंग साइकिल के अंदर कैसा होता है कि एक बार इंस्पायरेशन होगा, फिर एक्सपायरेशन होगा, और बीच में एक छोटा सा पॉज आएगा, ठीक है। मतलब एयर अंदर जाएगी, फाउल एयर बाहर आएगी, और धीरे छोटा सा एक स्मॉल पॉज आएगा। और इस साइकिल को कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पॉन्स वरोली, ठीक है। तो अगर हम ब्रीथिंग साइकिल की बात करते हैं, जैसे ये ब्रीथिंग साइकिल की अगर हम बात करते हैं, ब्रीथिंग साइकिल है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, अल्टरनेट इंस्पायरेशन एंड एक्सेलेशन, या एक्सपायरेशन भी बोल सकते हैं। अपन ने इनहेलेशन की जगह पे इंस्पायरेशन लिखा ना, तो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन साथ में क्या होगा, विथ ए स्मॉल पॉज, इन बिटवीन द टू। समझ में आया। अगर हम ब्रीथिंग साइकिल की बात करते हैं, तो ब्रीथिंग साइकिल के अंदर अल्टरनेट इंस्पायरेशन होगा, एक्सपायरेशन होगा, और बीच में एक छोटा सा पॉज आएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि ब्रीथिंग साइकिल को कंट्रोल कौन करता है, तो ये कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पॉन्स वरोली। ब्रीथिंग साइकल इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पॉन्स, ठीक है। ये दो हैं जो ब्रीथिंग साइकिल को कंट्रोल करते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पॉन्स जो होता है वो ब्रीथिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। एक्चुअली ब्रीथिंग साइकिल कंट्रोल होती कैसे, तो जो मेडुला और पॉन्स वरोली है, इन दोनों से नर्व ओरिजिनेट होती है। क्या ओरिजिनेट होती है, नर्व ओरिजिनेट होती है, और वो नर्व स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। कहाँ तक जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ से वो नेक एरिया से होती हुई रेस्पायरेटरी ऑर्गन तक जाती है। मतलब हमारा जो ब्रेन है, अगर आपने बोला कि मेडुला ओब्लोंगेटा पॉन्स वरोली, तो आपने मेडुला ओब्लोंगेटा अगर आपको याद हो तो हाइंड ब्रेन के अंदर पढ़ा था आपने 10th क्लास के अंदर। ब्रेन के तीन पार्ट पढ़े होंगे बेटा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो हाइंड ब्रेन होती है उसके अंदर मेडुला ओब्लोंगेटा होता है, वहीं पर अपने को पॉन्स वरोली देखने को मिलते हैं। तो जो न्यूरॉन्स या नर्व की अगर अपन बात करते हैं, तो मेडुला ओब्लोंगेटा और पॉन्स वरोली से अराइज होती है, स्पाइनल कॉर्ड से पास होती है, गर्दन से नेक एरिया से पास होती है, और रेस्पायरेटरी ऑर्गन तक जाती है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से जो मेडुला ओब्लोंगेटा पॉन्स वरोली है ना, यहाँ से क्या होगा, नर्व ओरिजिनेट, नर्व क्या होगी, यहाँ से ओरिजिनेट होगी फ्रॉम दिस रीजन एंड पासेस अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड passes along the spinal cord से pass होगी and come out in neck area के यहाँ पे बाहर जाएगी and finally reaches to respiratory organ, और फाइनली कहाँ पहुँच जाएगी बेटा, respiratory organ के पास
पहुंच जाएगी। तो जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन है ना, वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, सोपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स फिर उस ब्रीथिंग साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट ओवर लंग्स एंड ऑल्सो टेक पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो अगर अपन ब्रीथिंग साइकिल की बात करते हैं बेटा, तो ब्रीथिंग साइकिल के अंदर क्या होता है, अल्टरनेट इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, दैट इज इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, और बीच में छोटा सा पोज आता है। ब्रीथिंग साइकिल को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स वरोली। नर्व जो होती है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स वरोली से ओरिजिनेट होती है, स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंचती है, स्पाइनल कॉर्ड से नेक में जाती है, नेक से लंग्स के पास में जाती है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। लंग्स के यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, रेगुलेशन मीन्स इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करते हैं। समझ में आया? तो ये जो ब्रीथिंग साइकिल है, ये ब्रीथिंग साइकिल बेसिकली किससे कंट्रोल हो रही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन वरोली, ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जो ब्रीथिंग साइकिल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा कि ब्रीथिंग साइकिल कंट्रोल कैसे हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें सारे सेंटर्स आपको समझ में आएंगे। ये कहलाता है न्यूमोटैक्सिक एरिया, न्यूमोटैक्सिक एरिया, ये कहलाता है एप्नोस्टिक एरिया, एप्नोस्टिक एरिया, ये कहलाता है कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया, ये कहलाता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये बेसिकली इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है, दोनों परफॉर्म कर सकता है। ये वाला होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और ये बेसिकली
इंस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, किसमें हेल्प करता है बेटा? ये इंस्पायरेशन के अंदर हेल्प करता है। ठीक, एक डायग्राम तो बेटा ये हो गया। अब एक दूसरा डायग्राम और बताता हूँ जिसके अंदर इन्हीं में से कैसे वो नर्व वगैरह निकलती है और कैसे वो स्ट्रेस रिसेप्टर तक जाती है। ये कहलाती है वेगस नर्व, ये कहलाती है एओर्टिक बॉडी, ये कैरोटिड बॉडी, से निकलने वाली ये कहलाती ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अगर अपन देखेंगे तो ये डायग्राम जो है ये कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर और ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। अगर अपन इसको देखें तो ये डायग्राम है किसका, इसके अंदर पॉन्स ओरोली भी आ गया, मेडुला ओब्लोंगेटा भी आ गया, तो इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर। ये डायग्राम है पहला वाला, ये इसका डायग्राम है कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर मेडुला ओब्लोंगेटा भी आ गया, पॉन्स ओरोली भी इसके अंदर आ गया बेटे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर अपन रेस्पिरेटरी सेंटर और उसके कंपोनेंट को डायग्राम अपन ने देख लिया है ना, तो डायग्राम के बाद अगर अपन इसको देखें कि रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट अपने को देखने को मिलते हैं। कंपोनेंट रेस्पिरेटरी सेंटर क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर की अगर अपन बात करते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा और पॉन्स ओरोली है ना, तो इसके अंदर इंस्पिरेटरी ग्रुप हो गया, इसके अंदर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप हो गया, निमोटैक्सिक एरिया हो गया, एपोनास्टिक एरिया हो गया, कीमो सेंसिटिव एरिया हो गया। ठीक है, ये सब डायग्राम में आपने देखा, ये हो गया निमोटैक्सिक एरिया, एपोनास्टिक एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, पाँच बेसिक चीज़ है बेटा इसके अंदर, पाँच है, एक डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एक निमोटॉक्सिक एरिया, एपनोस्टिक एरिया और कीमो सेंसिटिव एरिया। ये पांच मेन रीजन है, ये पांच मेन रीजन है जो क्या करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है या ब्रीथिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है बेटा, ब्रेन में होता है। कहाँ पे होता है, ब्रेन के अंदर होता है। ठीक है, तो अपने को कितने कंपोनेंट पढ़ना है इसके अंदर, पांच कंपोनेंट पढ़ना है। सबसे पहला अपन इसमें जो पांच कंपोनेंट में है वो है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अगर अपन डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की बात करते हैं है ना, तो अपन ने वहाँ भी लिखा है कि जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इस डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की अगर अपन बात करते हैं तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप बेसिकली किस में हेल्प करता है, तो ये इंस्पिरेटरी एरिया, इंस्पिरेटरी एरिया मतलब इंस्पायरेशन जो होगा ना वो बेसिकली किसके कारण होगा, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब इसका नाम डोर्सल क्यों है,
तो ये लोकेटेड डोर्सली होता है, ठीक है, इट लोकेटेड डोर्सली इन मेडुला। ये डोर्सली लोकेटेड होता है किसके अंदर बेटा, मेडुला के अंदर। अब देखो यहां से जो भी सिग्नल ओरिजिनेट होंगे, अब सिग्नल ओरिजिनेट कौन करेगा, न्यूरॉन्स, ठीक है, तो यहाँ से जो भी सिग्नल डोर्सल ग्रुप से ओरिजिनेट होंगे ना, वो बेसिक रिदम को सेट करेंगे, रेस्पिरेशन की जो बेसिक रिदम है, वो बेसिक रिदम जो है वो यहाँ से सेट होगी। तो सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, मेडुला ओब्लोंगेटा से, है ना, तो सिग्नल्स ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स न्यूरॉन, है ना, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या है, न्यूरॉन्स का एक ग्रुप है, तो उसके न्यूरॉन्स क्या ओरिजिनेट करेंगे, सिग्नल ओरिजिनेट करेंगे, न्यूरॉन्स प्रोड्यूस बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम्स, ठीक है, मतलब सिग्नल कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, मेडुला ओब्लोंगेटा से सिग्नल ओरिजिनेट होंगे, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, बेसिक रिदम को प्रोड्यूस करेंगे। अब जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स है उससे जो सिग्नल ओरिजिनेट होंगे, वो सिग्नल को अपन क्या बोलेंगे, रैंप सिग्नल, क्या बोलेंगे, रैंप सिग्नल। तो अपन ऐसे लिखते हैं, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप DRG, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या सेंड करेगा बेटा, रैंप सिग्नल, ठीक है, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या सेंड करेगा बेटा, रैंप सिग्नल। किसको सेंड करेगा, अपन ने किस टाइप का इसको लिखा हुआ, इंस्पिरेटरी एरिया, क्या लिखा अपन ने, इंस्पिरेटरी एरिया, तो इंस्पायरेटिंग मसल को सिग्नल सेंड करेगा, है ना, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या सेंड करेगा, रैंप सिग्नल किसको सेंड करेगा बेटा, इंस्पायरेटरी मसल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सिग्नल जो सेंड करेगा ना, ये कितने सेकंड के लिए करेगा, 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए सिग्नल सेंड करेगा, ठीक है, और अगले 3 सेकंड तक साइलेंट हो जाएगा, एंड बिकम साइलेंट फॉर नेक्स्ट 3 सेकंड, एंड बिकम साइलेंट फॉर नेक्स्ट 3 सेकंड। समझ में आया, मतलब जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है वहाँ का जो न्यूरॉन है वो सिग्नल ओरिजिनेट करेगा, वो सिग्नल जो है रेस्पिरेटरी रिदम्स को मेंटेन करेगा, इनिशिएट करेगा, तो जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से वहाँ से जो सिग्नल आएंगे उनको रैंप सिग्नल बोलेंगे, वो रैंप सिग्नल जो है इंस्पिरेटरी मसल्स तक जाएगा, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, और अगले 3 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जो रैंप सिग्नल की अगर अपन बात करते हैं तो ये पहले वीक होता है, ठीक है, मतलब शुरुआत में इसका सिग्नल का जो सिग्नल जो देता है वो वीक देता है, लेकिन बाद में ये इंटेंस हो जाता है। अब ये सिग्नल करता क्या है भैया, सिग्नल जो पहुंचा है ये सिग्नल इंस्पिरेटरी मसल्स तक पहुंचा है, तो इंस्पिरेटरी मसल क्या करेगी, अब सिग्नल आया तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो दिस सिग्नल कॉजेस इंस्पायरेटरी मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। इसके कारण क्या होगा, इंस्पायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और इंस्पायरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगी तो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेटरी मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या कोस करेगा, कोस इंस्पायरेशन। इंस्पायरेटरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा बेटा, इंस्पायरेशन होगा, क्या होगा, इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन के लिए जो सिग्नल आएगा वो कहाँ से आएगा, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से आएगा, ठीक है। अब ये बात तो हो गई
कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से जो सिग्नल आ रहा है वो किसका आ रहा है, इंस्पायरेशन का। वहीं पर अगर अपन एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। एक्सपायरेशन क्या है, एक पैसिव प्रोसेस जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास में कोई सिग्नल नहीं आता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये स्टार करके लिख देता हूँ, वाइल एक्सपायरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, ठीक है, वेयर द रेस्पायरेटरी ऑर्गन डू नॉट रिसीव एनी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन। ध्यान रखना, ठीक है। एक्सपायरेशन की बात करते हैं तो ये पैसिव प्रोसेस है और इसमें कोई भी सिग्नल जो है वो ब्रेन देता नहीं है। तो आप केवल इतना ध्यान में रखिए कि जो डोर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप है वो बेसिकली इंस्पायरेशन को ही कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, इंस्पायरेशन को ही कंट्रोल करता है। क्योंकि एक्सपायरेशन तो बेटा एक पैसिव प्रोसेस है, तो ये किसको कंट्रोल करता है, इंस्पायरेशन को, ठीक है। इतना समझ में आया, तो ये पहला ग्रुप हुआ। फिर आता है सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में अपन टोटल 5 कंपोनेंट देखे अपन ने, डोर्सल, वेंट्रल, कीमोसेंसिटिव, एपोनेस्टिक और न्यूमोटैक्सिक, ठीक है। तो दूसरा ग्रुप आता है वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप। अगर आपको याद हो तो अपन ने इसको क्या लिखा हुआ है, वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप को अपन ने वहाँ पे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। क्यों लिखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसका नाम वेंट्रल क्यों है, क्योंकि ये मेडुला ओब्लोंगेटा की वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है या कहाँ से अराइज होता है, ठीक है। तो अगर अपन वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप की बात करते हैं तो ये कहाँ पे होता है, इट लाइज ऑन वेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला, ठीक है, मेडुला के वेंट्रल पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं एंटीरियो लेटरल टू द डोर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप, जो डोर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप है ना उसका एंटीरियो लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ अपन इतना ध्यान में कि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, जब हम नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं उस समय वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप्स के जो न्यूरॉन्स हैं या वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप है वो इनएक्टिव रहता है। इंपॉर्टेंट बात है, ड्यूरिंग नॉर्मल नॉर्मल रेस्पिरेशन वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन बिकम इनएक्टिव, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा, इनएक्टिव होते हैं। तो फिर ये एक्टिव कब होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल केस में तो क्या होगा, ये इनएक्टिव ही बैठे रहते हैं, लेकिन जब रेस्पायरेटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, जब रेस्पायरेटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है और सिग्नल जो है वो किसके पास पहुंचता है, डोर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप्स के पास में, ठीक है। अब डोर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप्स को सिग्नल कहाँ से पहुँचेगा, डोर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप के पास में सिग्नल कहाँ से पहुँचेगा, तो जब भी रेस्पायरेटरी एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो डोर्सल सिग्नल जो होंगे वो डोर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप्स के पास पहुँचेंगे, ठीक है। तो इनिशिएट कौन करने वाला है यहाँ पे, वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप। कौन करने वाला है, वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन द रेस्पायरेटरी एक्टिविटी इंक्रीज,
जब रेस्पिरेशन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब बढ़ कब सकती है भाई? नॉर्मल रेस्पिरेशन के समय तो इनएक्टिव है, जब हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हैं या एक्सपायरेशन कर रहे हैं, मतलब जब हम प्राणायाम वगैरह कर रहे हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा एयर को अंदर ले रहे हैं या एक्स्ट्रा एयर को बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करेंगे उस समय ये वेंट्रल वाला क्या करेगा? अपना रोल प्ले करेगा। समझ में आया? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप नॉर्मली इनएक्टिव होता है, ये अपना कोई रोल प्ले नहीं करता बेटा। लेकिन जब हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करते हैं तब जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी हमारी बढ़ती है उससे सिग्नल रेस्पिरेटरी डोर्सल ग्रुप से निकलेगा और कहाँ तक पहुँचेगा? वेंट्रल ग्रुप तक पहुँचेगा। कहाँ तक पहुँचेगा? वेंट्रल ग्रुप तक। मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन है? डोर्सल वाला ही। तो अगर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ी तो सिग्नल भी कहाँ से ओरिजिनेट हो जाएंगे? अब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से। तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप के सिग्नल किसके पास पहुँचने वाले हैं? वेंट्रल के पास। तो वेंट्रल भी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। लेकिन कब? जब हम अब बेटा अगला पॉइंट आता है न्यूमोटैक्सिक एरिया। न्यूमोटैक्सिक एरिया, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक, तो अगर अपन न्यूमोटैक्सिक एरिया की बात करते हैं तो डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है बेटा। उस डायग्राम में अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या बनाया अपन ने? न्यूमोटैक्सिक एरिया। तो न्यूमोटैक्सिक एरिया की अगर अपन बात करते हैं तो ये डॉर्सली लाई करता है पोन्स वरोली के अंदर। ध्यान रखना, इट ऑकर्स डॉर्सली ऑन पोन्स वरोली, ठीक है। ये कहाँ लाई करता है बेटा? पोन्स वरोली के अंदर लाई करता है। अब न्यूमोटैक्सिक एरिया जो है ये क्या करता है? ये न्यूमोटैक्सिक एरिया जो है ये बेसिकली जो हमारे लंग्स के अंदर फीलिंग होती है, मतलब जो एयर अंदर जाती है वो जो उसकी साइकिल जो होती है ना उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इट अफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ फीलिंग फेस ऑफ लंग साइकिल बाय कंट्रोलिंग द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेटरी सिग्नल, ठीक है। तो न्यूमोटैक्सिक एरिया जो है बेटा ये डोर्सल सरफेस में होता है पोन्स वरोली में, पर बेसिकली क्या करता है? लंग्स के अंदर जो फीलिंग होती है ना उसको ये कंट्रोल करता है बाय कंट्रोलिंग द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेटरी सिग्नल। और अगर अपन एक जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है इससे अगर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल अगर निकलता है तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्या कर देता है बेटा? कि जो फीलिंग का जो टाइम है उसको वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और रिड्यूस करने से क्या हो जाएगा कि जैसे अपन बोलते हैं लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लो, तो लंबी और गहरी सांस लेने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना वो न्यूमोटैक्सिक एरिया है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूमोटैक्सिक एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है या ये डिटरमाइन करता है कि कितनी ब्रीथ होगी और कितनी डेप्थ वाली ब्रीथ होगी, मतलब कितने नंबर होंगे और ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा या कम होगा और सांस जो है वो कितनी गहरी आएगी। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल निकलता है न्यूमोटैक्सिक एरिया से तो इससे इंस्पायरेटरी सिग्नल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये बेटा कि जितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल न्यूमोटैक्सिक एरिया देगा उतना कम इंस्पायरेशन का टाइम हो जाएगा, ठीक है। और जितना वीक सिग्नल होगा उतना ज़्यादा टाइम जो है वो ब्रीथ का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा
ए स्ट्रॉन्ग न्यूमोटैक्सिक सिग्नल रिड्यूस द इंस्पायरेशन सिग्नल टू ओनली 0.5 सेकेंड वाइल ए वीक सिग्नल मे प्रोलोंग इंस्पायरेशन सिग्नल टू 5 और मोर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से जो सबसे मेन काम का क्वेश्चन है कि न्यूमोटैक्सिक एरिया कहाँ होता है, ये पोन्स वरोली में होता है। फीलिंग ऑफ लंग्स को ये बेसिकली कंट्रोल करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा इंस्पायरेशन उतने कम समय के लिए होगा, जितना वीक सिग्नल होगा इंस्पायरेशन उतने ज़्यादा समय के लिए होगा। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये डिटरमाइन कर रहा है नंबर एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथ। याद रखना इट कौन, न्यूमोटैक्सिक एरिया। इट डिटरमाइन नंबर एंड डेप्थ ऑफ ब्रेथ। ठीक है, समझ में आया बेटा। अगला जो आता है वो है न्यूमो एपनोस्टिक एरिया। अगला जो आता है वो क्या है बेटे, एपनोस्टिक एरिया जो फोर्थ है वो है एपनोस्टिक एरिया। ठीक है, इस पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन अपने को ध्यान देना नहीं है, इस पे केवल अपने को ये मालूम होना चाहिए कि लोअर पार्ट ऑफ पोन्स वरोली में होता है। इट प्रेजेंट ऑन लोअर पार्ट ऑफ पोन्स वरोली, ये पोन्स वरोली के लोअर पार्ट में होता है। ये जो पोन्स वरोली होता है ना बेटा, उस पोन्स वरोली के लोअर पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस ये करता क्या है, ये प्रेजेंट है वहां तक तो ठीक है, ये सिग्नल को सेंड करता है इंस्पायरेटरी एरिया को। ये क्या करता है, ये सिग्नल सेंड करता है इंस्पायरेटरी एरिया को टू प्रिवेंट और रिटार्ड स्विच ऑफ और रिजल्टिंग इंक्रीज फीलिंग ऑफ लंग्स। मतलब ये बहुत ज्यादा लंग्स को फिलअप होने नहीं देता है। ठीक है, एक लिमिट तक क्या करता है, फिलअप होने देता है। ये क्या करता है बेटा, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा जो क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज जनरली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता नहीं है इस पर। ये जो एपनोस्टिक एरिया है, एपनोस्टिक एरिया ऑल्सो सेंड सिग्नल टू इंस्पायरेटरी एरिया, इंस्पायरेटरी एरिया को सिग्नल देता है टू प्रिवेंट और रिटार्ड स्विच ऑफ रिजल्टिंग इन इंक्रीज फिलिंग ऑफ लंग्स विथ शॉर्टर
एक्सपायरेटरी गैप, ठीक है, मतलब ये क्या करता है, ये सिग्नल को सेंड करता है इंस्पायरेटरी एरिया को टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, रिजल्टिंग इन इंक्रीज फिलिंग ऑफ लंग्स विथ शॉर्टर एक्सपायरेटरी गैप, इतना ये काम करता है। तो एपनोस्टिक एरिया में अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, एपनोस्टिक एरिया में सिर्फ इतना पता करना है कि एपनोस्टिक एरिया जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर पार्ट ऑफ पोन्स वरोली, कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर पार्ट ऑफ पोन्स वरोली। तो एपनोस्टिक एरिया न्यूमोटॉक्सिक एरिया के साथ मिलकर ब्रेथ की डेप्थ को कंट्रोल करता है, ठीक है, मतलब ये जो एपनोस्टिक एरिया है इट्स जनरली वर्क एसोसिएटेड विद द न्यूमोटॉक्सिक एरिया, ये न्यूमोटॉक्सिक एरिया के साथ में काम करता है जो डेप्थ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चौथा पॉइंट हुआ एपनोस्टिक एरिया। अब आता है बेटा पांचवा पॉइंट, और ये पांचवा पॉइंट है अगर अपन देखें तो ये पांचवा पॉइंट है कीमो सेंसिटिव एरिया, कीमो सेंसिटिव एरिया। देखिए जब भी अपन कीमो सेंसिटिव एरिया की बात करेंगे तो जो डायग्राम बनाया था अपन ने, उसे डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कीमो सेंसिटिव एरिया है जो वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला पे है, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं तो इट ऑकर्स बाइलेटरली ओवर द वेंट्रल सरफेस ऑफ मेडुला, ये मेडुला की वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है कीमो सेंसिटिव एरिया। इसके पास में सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इट बियर्स सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, जो काम क्या करते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है और CO2 का पार्शियल प्रेशर है ना, उसको एनालाइज करते हैं। तो इसका जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे ये क्या करेंगे, इट परसीव पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर है CO2 का, इन दोनों को ये परस्यू करते हैं। तो ये दोनों का पार्शियल प्रेशर और CO2 H+ आयन का कंसंट्रेशन कहाँ पर, तो एक तो ब्लड में, या ब्लड में इनका कंसंट्रेशन क्या है, या पार्शियल प्रेशर और CO2 क्या है, और दूसरा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में, एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, मतलब ब्लड में और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है और H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है, उसको ये एनालाइज करते हैं। और अगर CO2 और H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, CO2 और H+ आयन का, इफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ आयन इज मोर, ठीक है, अगर CO2 और H+ आयन जो है इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया बेटा, H+ आयन कंसंट्रेशन इज मोर, अगर ज़्यादा है तो ये एक्टिवेट करता है कीमोसेंसिटिव एरिया को, सो इट एक्टिवेट कीमो सेंसिटिव एरिया। तो कीमो सेंसिटिव एरिया बेसिकली बेटा किससे एक्टिवेट होगा, तो कीमो सेंसिटिव एरिया एक्टिवेट होगा कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है और CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, समझ में आया। अब ये एक्टिवेट अगर हो गया तो ये क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन सेंड करेगा किस लिए, फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग के रेट को आप इंक्रीज कर लें तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इट सेंड
इंफॉर्मेशन फॉर, ये साइन इंक्रीजिंग का है बेटा, ठीक है, ये जो एरो बनाया ना ऊपर इंक्रीजिंग का है, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन ऑर्डर टू करेक्ट देयर कंसंट्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना कि जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला में होता है, कहाँ होता है, वेंट्रल साइड ऑफ मेडुला में, और क्या बियर करता है, ये बियर करता है सेंसरी न्यूरॉन, और ये सेंसरी न्यूरॉन CO2 और H+ ion के कंसंट्रेशन को एनालाइज करते हैं, ठीक है, किसके अंदर, ब्लड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, और अगर CO2 और H+ ion का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है तो कीमोसेंसिटिव एरिया जो है बेटा वो एक्टिवेट होगा, और ये सिग्नल सेंड करेगा, इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा कि ब्रीथिंग के रेट को आप बढ़ा लें जिससे कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल हो जाए। समझ में आया बेटा, इतना समझ में आया। तो कीमोसेंसिटिव एरिया जो है ये कंसंट्रेशन को करेक्ट करता है, किसको करेक्ट करता है, कंसंट्रेशन को करेक्ट करता है। अब देखिए इसके बाद अगर अपन देखते हैं कि यार और क्या करता है, तो अपन ने बनाया है जो सेकंड डायग्राम जिसमें आपने वेगस नर्व, कैरोटिड बॉडी, एओर्टिक बॉडी वगैरह बनाई है, उस डायग्राम में अगर अपन देखते हैं तो वो बेसिकली क्या है, पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर सिस्टम है, वो हमारी पेरिफेरी पे पाया जाने वाला कीमो रिसेप्टर सिस्टम है, ठीक है, और वो कीमो रिसेप्टर सिस्टम को अगर अपन देखते हैं जो हमारी पेरिफेरी पे है तो आउटसाइड द ब्रेन है। इसके पहले वाला अपन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन की बात कर रहे थे, अब ये जो कीमो रिसेप्टर वाला है ये आउटसाइड द ब्रेन है, तो ये ब्रेन के बाहर जो भी कंसंट्रेशन H+ ion CO2 है उसको क्या करता है बेटा, एनालाइज करता है, ठीक है। तो हमारे अंदर एक और सिस्टम मिलता है कीमोरिसेप्टर का, उसको बोलते हैं पेरिफेरल पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर सिस्टम, ठीक है। ये कहां पे होता है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये बेसिकली आउटसाइड द ब्रेन, आउटसाइड द ब्रेन बेटा ये प्रेजेंट होता है। क्या करता है, ये भी वही H+ ion और CO2 के कंसंट्रेशन को एनालाइज करता है, क्या करता है ये, एनालाइज कंसंट्रेशन ऑफ H+ ion एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को क्या करता है बेटा, ये एनालाइज करता है, ठीक है। और अगर हम देखें कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं, तो इसके जो मैक्सिमम कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैरोटिड बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एओर्टिक बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो उसके सबसे ज़्यादा कीमो रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, तो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर के सबसे ज़्यादा कीमो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज, ठीक है, कहाँ होते हैं, कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज, ठीक है। दिस इज पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर सिस्टम जो ब्रेन के बाहर होता है, जो H+ ion और CO2 का जो कंसंट्रेशन है उसको एनालाइज करता है, और इसके अंदर दो जगह पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, कैरोटिड बॉडी जो हमारे नेक एरिया है वहाँ पर पाई जाती है, और एओर्टिक बॉडी, ठीक है। अब बेटा अगला टॉपिक आता है माउंटेन सिकनेस। तो माउंटेन सिकनेस का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाना, जैसे आप हाइट पे जाते हैं ना, तो हाइट पे जाने पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके कम होने से जो एयर लंग्स तक जा रही है वो बराबर नहीं पहुंचती है, और एयर के प्रेशर, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, और जैसे ही ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी तो हमारे अंदर क्या होने लगेगा बेटा, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होने लगेगा, लेसर एनर्जी होगी, तो हम जल्दी जल्दी थकने लगेंगे,
ठीक है। तो हमारे हम जैसे कहीं चढ़ते हैं पहाड़ पर, तो हमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, क्यों हाई हो जाती है, क्योंकि हाइट पर टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ठीक है, और हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है। इसके कारण अपने को क्या होती है, माउंटेन सिकनेस, इसमें अपने को सांस लेने में दिक्कत आती है, कुछ लोगों को उल्टी होने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, सरदर्द करने लग जाता है, दिमागी रूप से थक जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप कभी प्लेन वगैरह में जाते हैं, फ्लाइट वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रेशर जो अप एंड डाउन होता है, उस प्रेशर के कारण क्या होता है कि अपना जो हेडेक है, सरदर्द है, वो बहुत ज़्यादा होता है, नोसिया, वॉमिटिंग, इस टाइप से वो चलता। तो अगर अपन फिर बेटा माउंटेन सिकनेस की अगर अपन बात करते हैं, तो बेसिकली ये क्या है, ऑक्सीजन शॉर्टेज सिंड्रोम, इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीजन शॉर्टेज सिंड्रोम, ठीक है, या इसको हाइपोक्सियल भी बोलते हैं, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया बेसिकली बेटा ऑक्सीजन की शॉर्टेज को बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन शॉर्टेज सिंड्रोम कहाँ होते हैं, जब हम 3500 मीटर से अबव होते हैं, ठीक है, तो इट जनरली ऑकर्स एट एल्टीट्यूड ऑफ 3500 मीटर, ठीक है, जब हम 3500 मीटर या उसके और ऊपर जब हम मूव करते हैं, तब ये सिंड्रोम या ये इसके सिम्टम्स आते हैं। इसमें क्या होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है ऑक्सीजन का, ठीक है, देर इज अ डिक्रीज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, और ऑक्सीजन कंटेंट भी कम हो जाता है। ठीक है, दो चीज़ ध्यान में रखना, डिक्रीज इन एटमोस देर इज डिक्रीज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर, देर इज डिक्रीज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज O2 कंटेंट ऑफ एटमोस्फियर, ठीक है, एटमोस्फियर का ऑक्सीजन कंटेंट भी कम हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अब इसमें ये देखा अपन ने कि इसमें प्रेशर भी कम हो गया, कंटेंट भी क्या हो गया बेटा, कम हो गया, इसके कारण क्या चेंज आएगा, तो जो रेड्यूस एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो जो लंग्स में एयर जा रही है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं दिस ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर टेकन इनटू लंग्स, इसके कारण ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम हो गया, ऑक्सीजन भी कम हो गई, तो लंग्स के पास जो ऑक्सीजन जाना चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं जा रही है उतनी। अब ऑक्सीजन अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है, उसका प्रेशर कम होने के कारण, उसका कंटेंट कम होने के कारण, तो हमारी बॉडी को क्या होगा, लेसर एनर्जी मिलेगी, एज ए रिजल्ट बॉडी ऑब्टेन लेसर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसके इफेक्ट हमारी बॉडी पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इसके जो सिम्टम्स की अगर अपन बात करें कि अगर ये सब होगा तो इसके सिम्टम्स में क्या होगा, तो जब भी हम कहीं हाइट पर जाते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है, उसको बोलते हैं ब्रीथ लेसनेस, ठीक है, सांस फूलने लग जाती है, फिर फास्ट ब्रीथिंग हो जाती है हमारी, ब्रीथिंग का जो रेट है वो बढ़ जाता है, नोसिया हो जाता है, जी मचलाने लगता है, कुछ लोगों को उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग हो जाता है, शरीर जो है वो नीला पड़ने लगता है क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, उसको साइनोसिस बोलते हैं, हेडेक होने लगता है, सरदर्द हो जाता है,
मस्कुलर वीकनेस और मेंटल फैटीग, मेंटल फैटीग हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही O2 का अमाउंट बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो ये सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या फिर जैसे ही कुछ समय के बाद, ठीक है, ये जो सिम्टम्स हैं वो अपने आप सबसाइड होने लगेंगे। कब होने लगेंगे? जब हमारे शरीर के अंदर DAG डाइफॉस्फोग्लिसरेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा RBC के अंदर, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा, अटैच करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा, और हमारे अंदर हीमोग्लोबिन और RBC का काउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। मतलब जब हम हाइट पे जाते हैं तो शुरुआत में हमको इफेक्ट आते हैं कि चक्कर आ रहा है, सिर दुख रहा है, मेंटल फैटिग हो गई है, लेकिन कुछ समय के बाद ये सिम्टम्स जो हैं वो अपने आप ही गायब होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर DAG डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो हमारे RBC के अंदर है उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करने लगेगा, और साथ में हमारे अंदर हीमोग्लोबिन और RBC का काउंट भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन और RBC का काउंट जब बढ़ने लगेगा तो अपने आप क्या होगा, वो ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने लगेगा और हम एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो माउंटेन सिकनेस के समय आप ध्यान में रखिए कि ये सिम्टम्स तो आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर कम हो गया, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, तो लंग्स के पास में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, उसके कारण क्या हो जा रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो गया, एनर्जी हमारे अंदर लेस होगी तो हम बहुत जल्दी थकेंगे, तो अपने पास उसके कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स के अंदर ब्रेथलेसनेस, फास्ट ब्रीथिंग, नोसिया, वॉमिटिंग, साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब होता है शरीर का नीला पड़ना, ठीक है, नोसिया का मतलब होता है जी मचलाना, वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी, हेडेक का मतलब होता है सर दर्द, मस्कुलर वीकनेस, थकान बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मेंटल फेटिक, दिमागी रूप से हम लोग थक जाएंगे। बट After some time, these symptoms subside. कुछ समय के बाद ये symptoms क्या हो जाएंगे, subside हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? Due to increase in concentration of 2-3 डाई फॉस्फो ग्लिसरेट, 2-3 डाई फॉस्फो ग्लिसरेट इन एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स के अंदर क्या हो जाएगा, 2-3 डाई फॉस्फो ग्लिसरेट जो है इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ 2-3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट इन एरिथ्रोसाइट्स। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अटैच करेगा, सो इट अट्रैक्ट मोर ऑक्सीजन, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एंड सून हीमोग्लोबिन और RBC काउंट भी बढ़ जाएगा, एंड सून HbA एंड एरिथ्रोसाइट काउंट इंक्रीज, ठीक है, एरिथ्रोसाइट का काउंट भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं अपन माउंटेन सिकनेस, क्या बोलते हैं, माउंटेन सिकनेस। अब इसके अलावा और डिसऑर्डर्स होते हैं बेटा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आते हैं, तो अगला टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक है ये, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहला है ब्रोंकाइटिस, आइटिस लग गया इट मीन्स इन्फ्लामेशन, और आगे लिखा है ब्रोंको, दैट इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, जो हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं बेटा, उनका क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। और जब हमारे अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो हमारे अंदर एक्सिस में म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, क्या होगा,
म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, और जो हमारे अंदर म्यूकस बनेगा उसके कारण अपने को खांसी आएगी, और ग्रीन येलो म्यूकस, हमारा येलो कलर का म्यूकस या ग्रीनिश येलो कलर का म्यूकस जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। ये क्यों होता है, ब्रोंकाइटिस क्यों होता है? तो ब्रोंकाइटिस स्मोकिंग से होता है, एयर पोल्यूटेंट से होता है, ठीक है, समझ में आया? एयर पोल्यूटेंट से होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी है, स्मोकिंग से भी होता है, ठीक है, समझ में आया? तो अगर अपने को इससे बचना है तो एक तो स्मोकिंग ना करें, है ना, धुएं के टच में ना आए, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके टच में ना आए, कोशिश करें माउथ को कवर करके रखें, जैसे अभी कोरोना के समय सब लोग मास्क को अप्लाई कर रहे हैं, वो बेसिकली वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए, लेकिन नॉर्मली भी ब्रोंकाइटिस जिन लोगों को हो जाता है उन लोगों को मास्क जो है वो वियर करना पड़ता है, ठीक है, और उनके अंदर फिर इन्फ्लामेशन जब होता है तो उनको फिर ब्रोंको डायलेटर ड्रग दिया जाता है जिससे उनको रिलीफ मिलता है। तो ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होगा, इसका सिंपल मतलब हो जाएगा बेटे इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, उनका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होगा और इसमें क्या होगा, इट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सिस म्यूकस, और ये जो म्यूकस होगा वो येलो ग्रीनिश कलर का होगा, कैसा होगा, येलो ग्रीनिश कलर का होगा, ठीक है, और ये ब्रोंकाइटिस होने के रीज़न क्या है, अगर अपन इसके कॉजेज देखें कि होता क्यों है ब्रोंकाइटिस, तो स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट पीते हैं उससे ब्रोंकाइटिस होता है, एयर पोल्यूटेंट, एयर के अंदर अगर कोई पोल्यूटेंट है उससे होगा, या कोई इन्फेक्शन बैक्टीरियल वायरल कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाएगा, जैसे कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है उस टाइप का इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। दूसरा डिसऑर्डर आता है, अब इसमें ट्रीटमेंट वगैरह की अगर अपन बात करते हैं तो ब्रोंको डायलेटर बेटा केवल इसके अंदर देते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना है, एंटीबायोटिक्स वगैरह लेना है, ठीक है, ये अपन लेकर इससे बच सकते हैं, और अगर सिम्टम ज़्यादा होते हैं तो ब्रोंको डायलेटर जनरली दिया जाता है, ठीक है। तो अगर अपन प्रिवेंशन इसका क्या है कि वह इसके टच में ना आए, और क्यूर की तरफ अगर अपन जाते हैं तो फिर अपन ट्रीटमेंट पर बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली डिसीज आती है ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। अब अस्थमा होता क्या है, अस्थमा के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है, ठीक है, वो एक छोटा सा बलून है, तो वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल के कारण जिससे आपको एलर्जी है अगर वो आपके शरीर में जाएगा, ठीक है, या नॉन एलर्जिक भी अगर है तो वो जो एल्वियोलाई है ना वो सिकुड़ने लगेगी, ठीक है, उसके अंदर मरोड़ होने लगेगी, तो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो अपने को जो सांस है, जो ब्रेथ की साइकिल है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो सांस भरने लगेगी, ठीक है। तो जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं उन ब्रोंक्यूल्स की जो स्मूथ मसल है उन स्मूथ मसल्स के अंदर स्पास्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, स्पास्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर अपन ब्रोंकियल अस्थमा की बात करते हैं तो सिंपली ये क्या है, इट इज स्पास्मेटिक, स्पास्मेटिक का मतलब क्या होता है, मरोड़ होना, ठीक है, स्पास्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कपड़ा धोने के बाद अपन उसका पानी नितारते हैं कि नहीं, तो उसको अपन ताकत लगा के पूरा निचोड़ते हैं, उस टाइप का यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो स्पास्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल किसकी, ऑफ ब्रोंकियोल्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ये याद रखना
कब होता है? एक्सपायरेशन के समय. सो एक्सपायरेशन बिकम डिफिकल्ट. इंस्पायरेशन नॉर्मल होता है. ब्रोंकियल अस्थमा में ध्यान रखिएगा, एक्सपायरेशन के समय ही दिक्कत होती है. इंस्पायरेशन तो क्या होता है? नॉर्मल होता है. एक्सपायरेशन के समय क्या होगी दिक्कत? क्योंकि यहाँ पे जो स्पास्मेटिक कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है वो स्मूथ मसल और ब्रोंकियोल्स का हो रहा है. और कब हो रहा है? जब हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं. ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. इंस्पायरेशन नॉर्मल होगा ब्रोंकियल अस्थमा में. इंस्पायरेशन बेटा नॉर्मल होगा. ठीक है, और अगर हम यंग पर्सन की बात करते हैं तो यंग पर्सन के अंदर जो अस्थमा होता है ना वो बेसिकली एलर्जिक होता है. जैसे कुछ बच्चों के अंदर अस्थमा हो जाता है वो एलर्जी के कारण होता है. किसी के अंदर प्लांट के पोलन ग्रेन की एलर्जी है, कोई पॉल्यूटेंट है उसके कारण है. लेकिन जो ओल्डर पर्सन को होता है वो बेटा नॉन एलर्जिक होता है. जो ओल्डर पर्सन को होता है ना वो नॉन एलर्जिक होता है. तो यहां ध्यान रखना कि इन यंग अस्थमा इज एलर्जिक वाइल इन ओल्डर पर्सन इट इज नॉन एलर्जिक. ठीक है, और ओल्डर पर्सन में ये नॉन एलर्जिक होता है. ठीक है, इसके कारण लोकलाइज्ड ओडिमा स्वेलिंग आ जाती है. ठीक है, म्यूकस जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है तो उसमें खांसी आने लगती है, मसल्स जो दुखने लगती है, रिबकेज दर्द करने लगता है. सिंपल है, क्या करना है इसमें? अगर अपन इसमें प्रिवेंशन की बात करें तो अगर हमें किसी चीज़ से एलर्जी है तो हमें उस एलर्जी से क्या करना चाहिए बेटा? बचना चाहिए. इसके अंदर कुछ डॉक्टर्स इनहेलर्स आपने देखा होगा, अस्थमा के लिए पंप आता है. ठीक है, वो करते क्या है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है स्मूथ मसल उसको वो रिलैक्स करा देते हैं. तो जो एक्सपायरेशन है वो नॉर्मल हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल अस्थमा. तीसरी डिसीज आती है एम्फाइसीमा. ये बहुत कॉमन है एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा बेसिकली क्या होता है? जो हमारी एल्वियोलाई और ब्रोंकियोल्स हैं उनके इलास्टिसिटी जो है बेटा वो खत्म हो जाती है. ठीक है, इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है. जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं ना उनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है कि इनमें जो एल्वियोलर वेंटिलेशन है ठीक है वो रिड्यूस हो जाता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है. ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एम्फाइसीमा. या अपन इसको लंबे समय के हिसाब से अगर बोले तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी बोल सकते हैं. जो ब्रोंकाइटिस अपन ने पढ़ा ना इन्फ्लामेशन, लंबे समय तक वो चेन स्मोकर है, बहुत लंबे समय तक अगर वो सिगरेट पी रहा है तो उसको एम्फाइसीमा होगा. और एम्फाइसीमा के अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो बलून है अंदर छोटे छोटे एल्वियोलाई वो बस्ट होते जाएंगे. अब अगर बलून ही बस्ट हो गए तो आपके अंदर नए बलून डेवलप नहीं होंगे. तो इसीलिए इरिवर्सिबल होती है. क्या होती है? इरिवर्सिबल. एक बार ख़त्म तो फिर ख़त्म हो जाती है. ठीक है, समझ में आया? इरिवर्सिबल होता है एम्फाइसीमा. ध्यान रखना एम्फाइसीमा में क्या होता है, देयर इज रिडक्शन इन एल्वियोलर वेंटिलेशन. क्यों? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डिस्टेंशन ऑफ एल्वियोलर सैक एंड ब्रोंकियोल्स. ठीक है, और ये स्मोकिंग इसका बेसिक रीज़न है. ठीक है, स्मोकिंग के कारण जनरली ये होती है. या अगर अपन देखें कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो बहुत ज़्यादा इरिटेट वगैरह कर रहा है अपने को, एलर्जिक इन ब्रोंकाइटिस कोस कर रहा है, लंबे समय तक उसके कॉन्टेक्ट में है, तो एम्फाइसीमा हो जाता है. और ये इरिवर्सिबल है. क्या है बेटा? ये इरिवर्सिबल. ठीक है, चौथे नंबर की डिसीज आती है ऑक्यूपेशनल डिसीज.
ऑक्यूपेशनल डिसीज। ऑक्यूपेशनल डिसीज का मतलब ये होता है बेटा कि जो हम काम करते हैं, जैसे कुछ लोग सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग स्लेट की फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ माइंस में काम करते हैं, तो उनके काम से होने वाली लंग की डिसीज, ठीक है, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज, ठीक है, कि जो डस्ट पार्टिकल वगैरह उड़ रहे हैं, जो लोग मार्बल फिटिंग करते हैं तो वो जो डस्ट उड़ती है तो वो उनके लंग्स में धीरे धीरे जाके क्या होती जा रही है बेटा, इकट्ठी होती जा रही है। जो लोग कॉटन मिल्स में काम करते हैं, जहाँ पे फ्लोर मिल्स होती है, आयरन मिल्स होती है, तो उसके कारण मतलब जो काम वो कर रहे हैं और उसी काम के कारण उनको बेटा अगर डिसीज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज, समझ में आया। तो इस ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज के अंदर अगर अपन देखें तो कुछ टॉक्सिक केमिकल लंग्स में कलेक्ट हो जाते हैं, तो अपन उस बीमारी को, उस डिसऑर्डर को न्यूमोकोनियोसिस कहते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमोकोनियोसिस। तो इसके अंदर पहला आता है न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है, क्या होगा ये, कलेक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन लंग्स, कलेक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन लंग्स, ठीक है, लंग्स के अंदर क्या हो जाना, टॉक्सिक सब्सटेंस का, केमिकल का, टॉक्सिक मैटर का इकट्ठा हो जाना, जिससे कौन रिएक्ट करेगा, टिश्यू, और टिश्यू जब इससे रिएक्ट करेगा है ना, अभी जो केमिकल इकट्ठा हुआ है तो टिश्यू रिएक्ट विद दिस सब्सटेंस, कौन रिएक्ट करेगा बेटा इससे, जो टिश्यू है रिएक्ट करेगा एंड अल्टीमेटली लीड्स टू फाइब्रोसिस, और फाइनली क्या हो जाएगा उसको बेटा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू के फाइबर्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें कि कौन पॉल्यूटेंट के हिसाब से, तो आयरन पार्टिकल अगर इकट्ठा हो रहा है तो इससे होने वाली बीमारी को अपन क्या बोलते हैं, सेडिरोसिस, ठीक है, और अगर सिलिका के पार्टिकल हैं तो इससे होता है सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस के पार्टिकल हैं तो एस्बेस्टोसिस, ठीक है, और अगर कोल या डस्ट है तो उसको बोलते हैं एंथ्राकोसिस, ठीक है। तो इन सबसे अगर बचना है तो अपने को मास्क वगैरह पहनना है, रेगुलर चेकअप वगैरह कराना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपन एज ए प्रिकॉशन ले सकते हो। ट्रीटमेंट के अंदर वही ब्रोंकोडायलेटर वगैरह देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, वो सभी के अंदर एक जैसा कॉमन सा है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में आता है कार्बन, अगली डिसीज है मोनो ऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इसको एस्फाइक्सिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्फाइक्सिया, ठीक है। अपने को यह मालूम है कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा अफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट में आता है बेचारा ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसकी अफिनिटी 250 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर अपन बात करें तो 250 टाइम्स मोर अफिनिटी होती है, लगाव होता है इसका, ठीक है, अफिनिटी, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड 250 टाइम्स इसकी मोर अफिनिटी होती है किसकी तरफ, ऑक्सीजन की, आपके हीमोग्लोबिन के साथ अफिनिटी 250 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर
कंबाइनिंग विथ हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। मतलब आपने वो दबंग पिक्चर देखी होगी, उस दबंग पिक्चर के आखिरी सीन के अंदर अगर आपको याद हो तो वो जो ट्रैक्टर का साइलेंसर होता है ना, उस ट्रैक्टर के साइलेंसर के अंदर उसका मुंह डाल देता है तो जो धुआं निकलता है, तो गाड़ियों का जो साइलेंसर होता है इनसे जो धुआं निकलता है बेटा उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जब जाएगा तो हमारी ऑक्सीजन तुरंत हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को भगा देगा और किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ, और कार्बन मोनोऑक्साइड से जब वो कंबाइन होगा तो एक कंपाउंड बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये इरिवर्सिबल हो, मतलब ये इजीली रिवर्सिबल नहीं होता है, मतलब आसानी से वो फिर हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ता नहीं है, तो वो जनरली क्या करता है वहाँ पे एक कंपाउंड बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, देन ऑक्सीजन, सो इट प्रोड्यूस ए कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, वो आसानी से टूटता नहीं है फिर, ठीक है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जब भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अगर इनहेल हो जाता है ना, आप कहीं ट्रैफिक जाम वगैरह में फंस गए, आप देखते होंगे जिस शहर में पोल्यूशन ज़्यादा है तो आँखों के अंदर इरिटेशन होने लगता है, जी मचलाने लगता है, ठीक है, नोसिया, डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं, तो यार बहुत चक्कर आ रहे हैं, तो वो बेसिकली उसका ये नहीं कि आप थक गए, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो अंदर जा रहा है ना, उस कार्बन मोनोऑक्साइड के बेटा वो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो सिम्टम्स होते हैं वो 4 से 6 घंटे तक रहते हैं, और इसमें कभी कभी डेथ भी हो जाती है। फिर इसका एक इलाज है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे उसको, तो जितनी ज़्यादा अमाउंट में फिर ऑक्सीजन रहेगी तब जाके हीमोग्लोबिन किसको छोड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को, अदरवाइज वो आसानी से छोड़ता नहीं है, उसको बोलते कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर्स हैं बेटा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जनरली देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो चुका है, अगला जो टेस्ट होगा संडे का आपका उसमें यहाँ तक कंप्लीट आएगा, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टेस्ट के लिए, पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा, अगर कोई डाउट हो तो आप ग्रुप पे पूछ